नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लेकर जो है आज फिर से जो है न्यूज आ रही है। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत से जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पेंडिंग रिजल्ट काफ़ी समय से दोस्तों लटके हुए हैं, जो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स परेशान हैं इसके रिगार्डिंग। आखिर क्यों आयोग जो है इतने समय हो गया है, क्यों इसका फाइनल परिणाम जो है क्यों नहीं जारी कर रहा है, बचे हुए रिजल्ट का जो है क्यों नहीं जो है सभी के रिजल्ट जो है जारी किए जा रहे, तो इसी को रिलेटेड दोस्तों आज जो आपके लिए खबर लेके आया हूँ। अगर साथियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। जैसा साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दैनिक सवेरा में जो है ये खबर आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आईटीआई अनुदेशकों के परिणाम सीईटी से पहले घोषित कर देगा। ये दोस्तों भोपाल सिंह खत्री जो अपने एचएसएससी चेयरमैन हैं उन्होंने दोस्तों ये खबर दी है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है आईटीआई के वो सीईटी से पहले जारी कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि रिजल्ट घोषित कर सकते हैं या नहीं। भाई जब हरियाणा पुलिस का रिजल्ट चुनाव से पहले आ गया था, दो दिन पहले हरियाणा पुलिस का रिजल्ट चुनाव से दो दिन पहले आया था, लेकिन अब फिर से जब आपने तभी जो है रिजल्ट जारी कर दिया था हरियाणा पुलिस का, तो अब क्यों आप देर लगा रहे हो। तो परमिशन लेने की बात कर रहे हैं यहाँ चेयरमैन साहब चुनाव आयोग से। क्या है पूरी खबर देखते हैं। एचएसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दावा किया है कि आईटीआई अनुदेशकों के पदों के लंबित परिणाम सीईटी से पहले घोषित कर दिए जाएंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आईटीआई अनुदेशकों के पदों की भर्ती आपने 30 सितंबर 2022 तक पूरी करने की घोषणा की थी, मगर यह भर्ती नहीं हुई। अब तो कई दिनों से कोई परिणाम भी नहीं निकल रहा। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने जो है वो क्या कहा है, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते परिणाम घोषित नहीं किए गए। राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या चल रही भर्ती के परिणाम घोषित हो सकते हैं, आयोग की अनुमति मिलते ही परिणाम घोषित कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया साथियों कि 10 कैटेगरी का परिणाम भी तैयार है, जो 10 कैटेगरी है उनका जो रिजल्ट इनके पास तैयार है एचएसएससी के पास, दो तीन कैटेगरी का परिणाम और तैयार हो रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग का प्रयास है सभी बची हुई कैटेगरी के परिणाम सीईटी से पहले घोषित कर दिए जाएं। उन्होंने बताया है कि 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने की जो बात हुई थी, बीच में टीजीटी इंग्लिश का परिणाम घोषित करना पड़ा, इसलिए जो है कोई ज़रूरी जो है टाइम लग गया था बीच में। तो दोस्तों ये जो है चेयरमैन साहब ने बात कही है, भाई जो हम है ना अब जो 30 सीटी से पहले जो है रिजल्ट जारी करने की बात ये बोल रहे हैं, और दोस्तों इलेक्शन से पहले आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। सभी की कैटेगरी के जितने भी कैटेगरी बची हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, सभी के पेंडिंग रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे सीटी से पहले। फिलहाल जो है चेयरमैन साहब ने जो है दोस्तों ये बात कही है कि सीटी से पहले जो है परिणाम जारी कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और एक दूसरा दोस्तों जो है ग्रुप डी के लिए भी जो उन्होंने पूछा था कि क्योंकि बच्चे काफ़ी संख्या में वहाँ इकट्ठे हुए थे सीएम आवास के सामने, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी खेल विभाग से पूरे ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं आए। ये दोस्तों ग्रुप डी जो स्पोर्ट्स कोटा है उनके लिए भी जो है इन्होंने ये बात बोली है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।